हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू ऑल हैव बीन टेकिंग अ वेरी वेरी गुड केयर अबाउट योर हेल्थ एज वेल एज योर स्टडीज. टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन वर्ड बाय वर्ड ऑफ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज इम्पॉर्टेंट पोएम ऑफ क्लास 12th एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम. एंड द पोएट इज स्टीफन स्पेंडर. मुझे बहुत पसंद आई ये पोएम. इसका कॉन्टेंट, इसका थाट क्लासिक है दोस्तों. आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं वर्ड बाई वर्ड. फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रंस फेसिस लाइक रूटलेस वीड्स, द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर, द टॉल गर्ल विद हर वीड डाउन डेड, द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड साइज. ये पहला स्टैंजा है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे. दोस्तों, पोइट हमसे ये कहना चाहता है इस पोएम के जरिए कि स्लम्स में रहने वाले, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे, जिनकी जिंदगी में जो बेसिक नीड्स हैं, रोज़मर्रा की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, रोटी और कपड़ा, मकान की बात नहीं करूँगा, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये ख्वाब है इनके लिए, वो ही इन्हें मैसर नहीं है, इन्हें मिलती नहीं है. और इस स्कूलों में जिनकी हालात पहले से ही खस्ता, ये भूखे प्यासे बेजार बच्चे क्या पढ़ेंगे. पहले बच्चों का वर्णन किया है पोइट ने कि तेज़ हवा के झोंके आ रहे हैं इन बच्चों के चेहरों पर. चेहरे कैसे हैं? जैसे घास ज़मीन से उखड़ने के बाद अगर कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए बाहर डाल दी जाए तो वो सूख जाती है. आपने देखा, पीली पड़ जाती है. तो ये सिम्बॉलिकली कहा जा रहा है, ग्रास से चेहरों को मिलाया जा रहा है कि वैसे पीले कुमलाए हुए चेहरे इन मासूम बच्चों के, और चेहरे बिल्कुल पीले हो गए हैं जिससे पता लगता है कि ज़माने से इन्हें ढंग से खाना नहीं मिला है, पानी नहीं मिला है, बाल उलझे हुए हैं, गंदे हैं, मुद्दतों से ये ठीक से नहाए नहीं हैं. साबुन पानी ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं. लंबी सी लड़की ऐसी लग रही है जैसे सूखी हुई है, कुमलाई हुई है, सिर्फ लकड़ी लग रही है. लड़की कम, लकड़ी ज़्यादा लग रही है. ऐसी पेपर सीमिंग बॉयज, लड़का कम, सूखा हुआ कागज़ लग रहा है. कहते नहीं, बिल्कुल पत्ते की तरह वैसा लग रहा है. और आंखें कैसी हैं? चूहों की तरह. चूहों का यहाँ पर यूज किया गया है भूख. वैसे झांकते रहते हैं कि हमें कब रोटी मिले. नेक्स्ट स्टैंजा देखेंगे दोस्तों. द स्टंटेड अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स नार्ल डिजीज. स्टंटेड अनडेवलप्ड, अविकसित. आपने बीमारियाँ पढ़ी होंगी ना, सूखा रोग, खाने को नहीं मिला, सूखा रोग, सूख गए बच्चे. और अनलकी माने दुर्भाग्यशाली, हायर का मतलब है हेरिडिटी, यानी कि जिन्हें आनुवंशिका में, जिन्हें आनुवंशिक रूप से बीमारियां मिली हैं. काहे की ट्विस्टेड बोन्स, हड्डियां अकड़ गई हैं, जैसे गठिया, गठिया रोग की बात हो रही है, गांठें हो गई जगह जगह से. रिसाइटिंग अ फादर्स नार्ल डिजीज, और पाठ पढ़ रही हैं, लेसन पढ़ रहे हैं बच्चे. किसकी बात हो रही है? जिसका बाप भी बीमार था गठिया से, उनकी बीमारियां लेकर पैदा हुए ऐसे लोग. हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, डेस्क पर अपना लेसन पढ़ रहे हैं. ये क्या पढ़ रहे होंगे? पॉइंट ये है, क्योंकि पेट में रोटी नहीं है, आंखों में ख्वाब हैं जो शायद पूरे नहीं होंगे. एट बैक ऑफ द डिम क्लास, डिम मतलब कम रोशनी के इस क्लास में, वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक ऐसा बच्चा भी, इस पर किसी का ध्यान नहीं. अननोटेड मींस अननोटिस्ड. हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखों में अभी भी ख्वाब है, क्योंकि वो छोटा है, मासूम. उसे अंदाज़ा है, उसे अंदाज़ा नहीं है कि जो ख्वाब हम देख रहे हैं ये शायद पूरे नहीं होंगे. ऑफ स्क्वायरल्स गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस, दूसरे कमरे में, एक जिसमें पेड़ है पास में, उसमें वो एक गिलहरी को देखकर खुश हो रहा है. सो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग स्टैंजा ऑफ द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम. गॉट इट? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय एस गोस्वामी. बाय.